सो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं पोकेमॉन। जो पहले तीन बंदे इस पोकेमॉन का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उन्हें मिलेगा मेरी पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड की नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। और क्या मतलब कि मेरे खुद के 100 सब्सक्राइबर्स है तो मुझे शाउट आउट की नीड है। फालतू की इमोशनल डैमेज दे रहे हो यार, ये क्या बात होती है। जल्दी बताओ ये पोकेमॉन आज की वीडियो में बीच में अपेयर हुआ है तो इसका नाम बताना है आप लोगों को, सो जल्दी बताइए यार। सो हे देयर बडी बॉयज एंड गर्ल्स, एक सेकंड भाई 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 भाई, ये क्या स्कैम हो रहा है भाई मेरे साथ। गलारियन जिगजगोन, वो भी इस रूट पे। एक सेकंड, क्या गलारियन जिगजगोन इस रूट पे मिलता भी है भाई? किसी ट्रेनर के पास नहीं था, इसके पास कैसे है भाई? अच्छा ये ट्रेनर नहीं है, सॉरी वाइल्ड में मेरे को गया भाई। दो दिन से मनुष पोकेमॉन मेरा स्वागत कर रहे थे, आज देख रहे हो, लक देख रहे हो तेरे भाई का। मतलब लाइक छूटते गलारियन जिगजगोन जैसे एक यूनिक पोकेमॉन, आई गेस इसका इनकाउंटर रेट कम होगा तभी लाइक एकदम से अपेयर हो गया भाई। ओ भाई मेरे को लगा फेंट हो जाएगा, फिर से मैं गालियाँ देता इसको। फिर कोई बात नहीं, अब हम इसको पकड़ेंगे। एक तो यार डैनियल नाम हो गया इसका, स्कैम पता नहीं क्या है। सिर्फ मेरे क्या कहते हैं, मेरे सिर्फ कॉर्पनी का नाम चेंज हो चुका है अपने आप और हो चुका है डैनियल, बिकॉज मैंने अपना नाम डैनियल रखा था। पता नहीं कोई ये लाइक ग्लिच होगा या फिर कुछ ऐसा टाइप का ही होगा, बिकॉज जनरली ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एंड हमने पकड़ लिया है गलारियन जिगजगोन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बट मैं इसको टीम में रखने का प्लान नहीं बना रहा यार। आई थिंक आई शुडंट कीप हिम इन द टीम, सो या मैं इसे PC में डाल दूंगा। सो काफ़ी यूनिक पोकेमॉन मिला है मुझे, सो सेंट टू बॉक्स, यप ओके। सो आगे चलते हैं एंड आगे का सफर तय करते हैं हम आगे। ओ ये कैंपर, इससे बैटल करते हैं यार। कैंपर इज सच कूल पोकेमॉन, एक वाइल्ड कैंपर। सो मैं इसे बैटल करूंगा एंड मेरे पास मेरा छोटू सा डैनियल यार, पता नहीं क्यों नाम हो गया इसका डैनियल फालतू में। अच्छा अगर ट्रेनर का नाम पता नहीं कैसे लाइक कौन सा ग्लिच चाहिए, आपके साथ हुआ है लाइक आप भी तो खेले होंगे तो फिर लाइक उस हिसाब से बताना मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्कैम है, किस कारण ये स्कैम हुआ। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो हमें इसे हराना है, मैं ग्रोल अटैक मारूंगा, पहले इसका डिफेंस गिराते हैं थोड़ा बहुत। डिफेंस ही गिरता ना ग्रोल से, ओके आई एम स्टिल कंफ्यूज। ओ अटैक गिरता है, वाओ टेल वेप, और हाँ टेल विक्स से आई गेस डिफेंस गिरता है, मे बी ए टेल वेप हो, हाँ यप लाइक थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाता है यार टेल वेप और ग्राउल के अंदर, बिकॉज लाइक स्टार्टिंग पोकेमॉन के पास यही होता है। जैसे स्कोटल के पास टेल वेप था एंड हमारे जो चार्मेंडर है उसके पास ग्रोल था, सो यप। एंड नजर अटैक मार रहे, ये पैरालाइज मत हुई हो, नहीं पैरालाइज नहीं हो, ऑली क्या ही बोलूँ मैम। ओके तो इसने मेरे को पैरा, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो छोटी सी, जब स्कॉर्पनी पैरालाइज नहीं था तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, अब जबकि स्कॉर्पनी पैरालाइज हो गया तो आप देख रहे होगे उसकी जो पैरों की जो स्पीड है, जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। क्या करो यार साइंस स्टूडेंट्स हो, इसलिए बोल रहा था साइंस मत लेना। सो मैं फिर से मारूंगा क्विक अटैक, सो हियर वी गो क्विक अटैक एंड आई थिंक यहाँ पर पेंट हो जाना चाहिए, ये अपने यहाँ पर पेंट है। नॉइस। सो कोई तो लेवल अप हो यार, ओके डैनियल हो चुका है 12 लेवल का जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कौन से लेवल पे वो, ओ डबल किक सीख रहा है, ओहो ऐसा अटैक तो सिखाने चाहिए यार। एंड कौन सा अटैक हटाओ यार, लेकिन तो फॉरगेट टैकल हटाओ, टू मच कन्फ्यूजन, ग्रोल हटा रहा हूँ मैं तो, हाँ ग्राउल क्या होता है यार तुम बताओ, ग्राउल या ग्रोल कमेंट सेक्शन में बताओ, ग्राउल या ग्रोल। कुछ ज़्यादा ही मैं कमेंट सेक्शन एक्टिव कर रहा हूँ, करना भी चाहिए भाई। सो आगे चलते हैं हम, ओके एक और यहाँ पर, सो यहाँ से चलते हैं, आई गेस वो कोविड था और ये यहाँ पर फिर पीछे पड़ गया। अबे असली में भी कुत्ता पीछे लग जाता है, नकली में भी कुत्ता पीछे लग गया, ये क्या बात होती है। अबे यार ये फिर यहाँ पर होगा देखना, वैसे ही कुत्ते पीछे पड़ते हैं असली ज़िंदगी में, यहाँ से गली से दूसरी गली जाओ फिर कुत्ता पीछे पड़ गया, और वो जाहिल कुत्ता जानबूझ के 10 मिनट तक मेरे को घूरेगा और फिर हल्का सा पैर आगे करो तो उसका भोपू शुरू, वाह 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 वाह, वो अकेला नहीं भागेगा, तीन कुत्ते पीछे लेके दौड़ेगा कि नहीं। आज तेरा अंतिम संस्कार, क्या बोलते उसे, संस्कार नहीं अंतिम, शिट में ना मेरी हिंदी बहुत खराब है अंतिम संस्कार, हाँ अंतिम संस्कार सही बोल रहा था मैं, फालतू में अटक गया, अंतिम संस्कार करवा के मानेगा, नहीं ना मैंने जोक की एक कर दी फालतू में फालतू में जोक की एक कर दी, मैंने अच्छा खासा जोक बना रहा था, मैं कभी स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन पाऊंगा, पेन
कोई बात नहीं, होता है ऐसे बड़े बड़े पोकेमोन गेम्स में इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये फिर यैम्पर होगा, देखा बच गया, पहुंच गया अगले टाउन। सो गाइस हम वापस आ चुके हैं वेजर्स टाउन में एंड हमें जाना है मेट्रो स्टेशन। हाँ राम दिल्ली रह रहे के मेट्रो स्टेशन हो गया मेरा, मेट्रो स्टेशन नहीं, ओह हॉप यहाँ है, कम ऑन डैनियल यू विल बी ऑन इट। हाँ पहुंच जाऊंगा, चल सरे मत खा फालतू में चेप ना हो। एंड अच्छा वेजर्स स्टेशन जाना है तो मैं भी चलता हूँ इसके पीछे। हाँ हाँ भाग ले चले, इसके पीछे यहाँ पर क्यों नहीं पड़ा, मेरे पीछे पड़ना था। नहीं मैं ज़्यादा क्यूट दिख रहा हूँ इसको, पहले पोकेमोन हील करने हैं यार। ओके आपने एक चीज़ नोटिस करी, लाइक ये वेजर्स टाउन लाइक पुराने ज़माने पे है तो फिर लाइक इसका वो भी जो डिज़ाइन है वो लाइक ओल्ड सिटी टाउन जैसा आ रहा है। तो जिन्होंने मेरी टीम लास्ट टाइम नहीं देखी थी तो वो देख लो, मेरी पोकेमोन टीम करंटली ये चल रही है एंड आई गेस मुझे थोड़ी सी एडिट कर लेनी चाहिए। सो मैं जाता हूँ इसके पास जो कि अजीब सा दिखने वाला रॉटम है। हेलो रॉटम, पता है ज्ञान नापेल फालतू का। तो मूव करता हूँ इसको, तो मैं इसे टीम में रखूँ लाइक मेरे पास एक अच्छा खासा गायरड हाउस हो जाएगा। तो छोटा है तो रख लेता हूँ, मैजिक आपको मैंने टीम में रख लिया है गाइस, लाइक मैं चाहता हूँ कि गायरड हाउस हो हमारे पास। एंड ये लो पोकेमार्ट, ओके पोकेमार्ट वाला बंदा, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं पता नहीं क्यों मैं उस लड़की से बात करने लग गया। ओके 2, 3, 12, 10 रख लेते हैं, 31 पोकेबॉल्स हो जाएगी मेरे पास, या फिर 9 कर लेता हूँ, 30 हो जाएगी करेक्ट। यप सिमेट्री बना रहे भैया, कुछ काम नहीं है, हम सिमेट्री बनाएंगे हम बैठ के। पोशन 11, ओके 16 पोशन हो गए, 10 पोशन ले लिए मैंने। एंड ओके 140, भाई ये क्या स्कैम कर रहे हो तुम मेरे साथ, और पोशन ले लिए एंड दैट्स इट आई गेस। मेरे पास इतनी चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए लाइक अच्छा सफ़र कट जाएगा मेरा। एंड अब चलते हैं हॉप के पास, हॉप आई गेस बैटल तो नहीं करेगा, लाइक रिसेंटली बैटल हुई है, राइवल बैटल्स इतनी जल्दी तो होती नहीं है आई गेस। सो यू ऑन इट डायरेक्ट, हाउ डिड यू, आई कॉट रियली स्पेशल वन, ओह जस्ट वन वी वर ड्रॉ, ओह ड्रॉ हो गया मैच, जिसने भी इतने पोकेमोन पकड़े हैं। ओके स्विफ्ट अटैक दे दिया है हमने, इसने हमें TM40 है जो कि एंड इट अ काइंड ऑफ नाइस अटैक। सो या ये तो मुझे मालूम है कि स्विफ्ट अटैक स्टार जैसे शेप्स में एक अटैक मारता है, द जिम चैलेंज विल बी बिगिन इन मोटो स्टॉक। ओके मोटो स्टॉक से हमारा जिम चैलेंजेस शुरू होंगे, सो हम भी चलते हैं इसके पीछे एंड हमारी जर्नी फाइनली अनफोल्ड होने वाली है। नो क्वाइट सो फार, ओ मम्मी आ गई, अरे ये कान बजा के ले जाएंगी, व्हाट आर यू डूइंग हियर मॉम, आई नो दिस डे कमिंग। ओके तो इन्हें पता था कि ये दिन आएगा, प्रोफेसर मंगनोलिया ने इन्हें बता दिया है एंड ये हमें छोटा सा गिफ्ट देना चाहती है। इन्होंने दिया हमें कैंपिंग गियर, ओह कैंपिंग, या मैं भूल ही गया था पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में हम कैंपिंग कर सकते हैं, लाइक पोकेमोन के साथ खाना बना सकते हैं नॉन, ओह भाई शिट भाई मैं भूल ही गया था। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें लाइक ऐसे कैंपिंग सेट्स मिल गए हैं जिससे कि हमें लाइक काफ़ी ज़्यादा जर्नी में मज़ा आने वाला है एंड फाइनली हम शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी। सो आई गेस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, यार एक मैं मेट्रो बोलने की आदत पता नहीं कर जाएगी, कोई बात धीरे धीरे जब तक दिल्ली रहता तब तक नहीं जाएगी, ये मेट्रो ही है मेरे लिए। ओहो क्या बीट दे रहे हैं, मोटर स्टॉक इज अराउंडेड बाय अ वास्ट वाइल्ड एरिया। ओके ये मुझे शायद पता है क्योंकि मैंने जस्ट अभी वो गेम कंप्लीट किया लास्ट टाइम में, मैंने यार लाइक क्या कहते हैं मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा था मोटो स्टॉक का वाइल्ड एरिया, लाइक मैं काफ़ी जल्दी में ख़त्म कर गया था। सो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इस एपिसोड को लंबा खींचा जाए बिकॉज मैं लाइक इस एरिया को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ एंड इट विल बी अ क्वाइट फन यू नो। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे एंड ये मिस्टर स्टेशन मास्टर इज इन द वाइल्ड एरिया बट वी आर स्टॉप्ड हियर फॉर, येस दिस इज वाइल्ड स्टेशन नो मिस्टेक आई एम सॉरी टू टेल यू। ओके आगे वुलू का झुंड आ चुका है जिसके कारण ट्रेन को यहीं रोकना पड़ रहा है, वुलू को मारना थोड़ा ना है। सो हम आ चुके हैं वाइल्ड एरिया में, सो यहाँ पे हम लाइक मैसिव वाइल्ड एरिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ये तो भाग गया, ये तो है ही कुत्ता आदमी भाग गया। ओके सो यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे बात करते हैं ज़रा एंड ये पीछे इसकी ईवी की शक्ल वाले बंदे से बात करते हैं। ओके अगर तुम्हारे पास लेट्स गो का एक्सपीरियंस है तो तुम यहाँ से ईवी ले सकते हो जो कि मेरे को मिलेगा और इसका राज मैं नहीं बताने वाला, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा। सो अभी तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं ओके मैं इसे पार्टी में रखना चाहूँगा, मेरे को ईवी एक्चुअली चाहिए, ईवी इज क्यूट, आई मीन ईवी इज क्यूट। स्कोवेट को बता दें ये मोटू लाल भैंस क्या, अब फिर से बोलो बॉडी शेमिंग तुम जाके, तुम्हें काम क्या है बॉडी शेमिंग। एंड मैं आई गेस ये पिकाचू देखिए, यप आई न्यू इट ये पिकाचू दे दिया एंड आई गेस मुझे पिकाचू को तो बॉक्स में रखूँगा, लाइक मेरे पास ऑलरेडी यैम्पर है, लाइक यैम्पर से सफ़र करने में काफ़ी मज़ा आएगा।
सो आई एम गोइंग टू पुट पिकाचू इन द बॉक्स आई गेस यप आई एम वांट टू सेंड इट टू अ बॉक्स एंड लेट्स गो पिकाचू लेट्स गो लुगिया ये लुगिया देगा मेरे को ओह लेट्स गो लुगिया तो लाइक फैन गेम है फैन गेम भी नहीं है बनी नहीं है लाइक एक्चुअली ऐसा कुछ गेम फैन गेम आई गेस यप फैन गेम यू विल रन स्ट्रेंजर ओके पोके डॉल ओ इसने मुझे 5 पोके डॉल्स दे दी जो कि काफ़ी अच्छी बात है सो थैंक्स बडी यू आर क्वाइट गुड मैम सो आई गेस मुझे बाहर निकलना चाहिए एंड वाइल्ड एरिया टू ओके मुझे वाइल्ड एरिया से निकल के मोटर स्टॉक जाना है ओके तो ये मेरा आज का मिशन होने वाला है एंड मैं वाइल्ड एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था स्पॉयलर के थ्रू आपको सो लेट्स डू दिस एंड काफ़ी ज़्यादा मोटर स्टॉक लुक्स लाइक गलारी रीजन काफ़ी ओल्ड थीम बेस्ड देती है ना लाइक इनके घर देखो एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थीम बेस्ड देती है सो आगे चलते हैं मे बी आगे हॉप खड़ा है एंड आई गेस वहाँ से हमारी जर्नी टू स्टार्ट होगी सो लेट्स गो एंड यहाँ पे एक लेडी है हेलो मिस लेडी ये दे वुड लाइक टू रेस योर ओह ये पोकेमॉन सेंटर की असिस्टेंट है जो कि मेरे पोकेमॉन को हील करेगी नेसेसरी टाइम पे एंड आगे हॉप है सो लेट्स गो देयर एंड यहाँ पे कुछ चमक तो नहीं रहा नहीं लुक एट दैट ओके कहाँ देखो भाई मैं ओह मोटर स्टॉक लाइक इट्स लुक सो गुड एंड प्रिटी दैट्स मोटर स्टॉक वे ऑफ दैट वे आई न्यू दैट ब्रदर And between there and a country's new Pokemon waiting to be met. Oh hello, oh Sonia aa gayi. Yep. Hello sweetie. Meg Ryan gave me proper earful in her own way. Those two young friends are setting out a journey, but what are you doing with your life? oh bhai, ye to relatable ho gaya bhai. Like bolte nahi ghar mein le insaan, ghar mein baith ke kya kar raha hai tu zindagi mein? भाई ओ भाई इसके साथ सोनिया के साथ क्रैम हो गया भैया बुरा लग रहा है मुझे सोनिया के लिए फीलिंग पेटी फॉर सोनिया यार बेचारी कोई बात नहीं इट्स ओके सो लाइक सोनिया हमें एक दो सलाह देने आई है एंड यहाँ पे हमारा हॉप भैया फिर से भाग गए ओ पता है मेरे को यहाँ पे डायनामिक्स पोकेमोन भी मिलेंगे आई गेस सो आई सोनिया इज हियर यार लाइक देख रहे हो लड़की पीछा नहीं छोड़ रही मेरा पीछे ही पड़ गई है क्या मतलब वो लाइक क्या मतलब वो गेम का सिस्टम है बेइज्जती कर रहे हो ओ पोकेमॉन बॉक्स लिंक मिल गया लाइक हम कहीं पे भी अब पोकेमॉन बॉक्स को लाइक लिंक कर सकते हैं ये फीचर आई गेस सोर्ड एंड शील्ड में भी था सोर्ड एंड शील्ड तो यही है आई मीन लेट्स गो पिकाचू में भी था एंड आई एम गेसिंग कि मेरे को लेट्स गो पिकाचू एंड अल्ट्रा सन एंड मून खेलनी चाहिए अपने चैनल पर आप लोग क्या बोलते हो लाइक मैंने लाइक थिंक तो बहुत कुछ कर रखा है आप लोग बताओ आई गेस मुझे पहले एक दोनों में से एक गेम को अपडेट कर लेनी चाहिए अनबाउंड और सोर्ड एंड शील्ड में से देन आई विल गो ऑन टू द लेट्स गो पिकाचू एंड अल्ट्रा सन एंड मून सो अच्छे खासे व्यूज दो यार ताकि मैं डेली अपलोड करूँ मैं डेली अपलोड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी वीडियोस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही अगर मेरी वीडियोस हिसाब से परफॉर्म करने लगेगी तो फिर मैं डेली वीडियो डालूंगा एंड आई डोंट नो मेरा गला एकदम से क्यों बैठ गया ओके काफ़ी देर ओके ये कौन है बनल भी है आई गेस एक कॉम भी है एंड और कौन से पोकेमॉन है इधर लाइक मैं पहले एक बार अच्छे से रूट चेक कर लूँ क्या क्या चीज़ें हैं इधर देन वी विल कंटिन्यू बट अप टू अस आर एंड ओके यहाँ पे ड्रॉप है ओके ये तो लाइक एक इंस्ट्रक्शन है ओके नेवर माइंड काफ़ी बड़ा रूट है यार एंड यहाँ पे कॉम भी बनल भी यहाँ पे काफ़ी रेयर टाइप पोकेमॉन्स भी है एंड आई गेस मुझे देखना चाहिए वो रेड लाइटिंग क्या है तो वो रेड लाइटनिंग के पास पहले जाते हैं एंड चेकआउट करते हैं वो क्या है ओके भाई यार कुछ तो सीन है लाइक क्या हो सकता है एंड ओके ए ओ भाई अलोलन का पोकेमॉन है भाई ये तो एक सेकंड सेव कर लूँ पहले भाई ये यहाँ क्या कर रहा है ये टीम में आ जाए तो भाई मैं तो सबको हरा दूँ हेलो बडी इसके मुँह पर जाके गिर गया मैम एंड मूसा मर्ड सील एंड वेरी स्ट्रॉन्ग की लिखा है ओ भाई अरे किडिंग मी भाई मेरे को जाने दे प्लीज जान दे ओ भाई 31 लेवल का पोकेमॉन आ गया मेरे सामने भाई स्कैम कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ कुछ भाई हार्ट अटैक आ जाता मेरे को ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा घातक स्कैम हो गया मेरे साथ ओके तो ओके आगे चलते हैं
आगे आई गेस वो स्टेयर्स जहाँ से हमें निकलना है, बट मैं कहा था मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। अर्थ लेक एक्सवेल, ओके यहाँ पे आई गेस मुझे एक क्या बोलते हैं वो स्नो टाइप पोकेमॉन मिलेंगे, एंड यहाँ पे एक स्टूफल है एंड स्नोवर है। आई गेस मुझे स्टफल को ट्राई करना चाहिए, कोई भी आ जाओ एक, लाइक मे बी ये वेरी स्ट्रांग ना हो। ओके नहीं वाइल्ड दिखाया है, आई गेस अब इनका लेवल कम होना चाहिए, आई गेस गाइज आई डोंट नो। और ये टेडी बियर कितना क्यूट लग रहा है, ओहो ओहे कितना क्यूट लग रहा है। तो मैं क्विक अटैक मारूंगा इस ट्यूफल पे, ओके क्विक अटैक क्वाइट बेड एंड बेबी डॉल आइस। बेबी डॉल आइस से मेरे को सिर्फ एक ही गाना याद आता है, एंड आप लोग जानते हो एक कौन सा गाना है, बेबी डॉल ने सुने दी। एंड आगे छोड़ो कौन सी मूवी मैं नाम नहीं लेता, छोड़ो छोड़ो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बोलेंगे सब कि कम्युनिटी में आइडिया का चैनल देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। तुम ये बोल रहे हो मैं चार ऑडियंस की, मैंने थोड़ा ना बोला। ओके अटैक गिरा रहा फालतू को मेरा, मैं एम्बर मारूंगा इसको तेरी भैंस की आग। ओके क्वाइट बेड एंड फिर से बर्न कर दिया मैंने इसको, आग लगा देगी आग लगा देंगे। फिर से अटैक कम कर दिया इसकी तो, ओके ओके सो हर्ट बाय बर्न एंड आई एम गोना यूज ओके ना मूव कॉल्ड डबल किक ए तेरी, ये काफ़ी गुड दो बार, ओ लाइक प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ एचपी कम करी है इसने एंड इसने मारा पे बैक। ओ भाई ये पे बैक कम किसी आने किसी डीमन का डीमन आर्ट लग मूव लग रहा था भाई, डीमन स्लेयर से या फिर जो कैसे में गोजो का कोई मूव ब्लैक फ्लैश करके एक मूव का नाम है वो, जे के फैंस नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड लाइक उसका लाइक कोई ईस्टर एग दे दिया इन्होंने, लाइक जो ब्लैक एंड रेड कलर का वो है ना, मेरे को सिर्फ गोजो का एक मूवी याद आया। अब मैं लाइक जे की बात क्यों कर रहा हूँ, जे की जीरो की अभी रिसेंटली मूवी आई है इंडिया में एंड वो देख के आया हूँ। सो या करनी पड़ती है, जो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो करते वो लोग जानते हैं। सो जाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम, क्या ही कर लोगे। ओ फ्रीक भाई, ओ भाई ये क्या था भाई, ये तो आग लगा दी, आग लगा दी कुछ ज़्यादा भयंकर आग लगा दी, ये इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। एंड हमने लाइक स्टूफल को पकड़ा एंड मैं आगे भी जर्नी कंटिन्यू करूँगा, लाइक एपिसोड काफ़ी लंबा ना खींचे इसके कारण, तो मैं थोड़े से पार्ट्स को स्किप करता हूँ। एंड यहाँ पे एक स्नोवर भी है, मैं स्नोवर से बैटल कर लूँ एक बीच में, फिर मैं लाइक एक पार्ट स्किप कर दूँगा ताकि एपिसोड लंबा ना खींचे। एंड एक वाइल्ड स्नोवर आ चुका है हमारे सामने एंड स्नोवर लुक्स क्वाइट गुड यार, स्नोवर लाइक काफ़ी अच्छा बोलना लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। लाइक अगर मैं डायमंड एंड पर्ल सीरीज डायमंड एंड पर्ल ही खेलूंगा, मेरे को लाइक ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल नहीं पसंद, तो मैं ज़रूर खेलूंगा लाइक डायमंड एंड पर्ल, तो उसमें मैं स्नोवर जरूर पकड़ूंगा। डैनियल यूज डबल किक ए पट से हेड शॉट, एक और एक और एक और एक और एक और, या क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ एच पी एंड इसने कोई अच्छा अटैक मार, ओ लीड, ओके लीड से क्या होता है चलो बताओ, आई गेस एक्यूरेसी फेल होती है, डिफेंस फेल होता है। बे यार क्या होगा मेरा, लाइक मुझे नेचर याद है, मेरे को आई वी कैसे निकालते ये याद है, बट मुझे ये याद नहीं कि कौन सी डिफेंस से क्या सा डिफेंस गिरता है, लाइक डिफेंसिव मूव से कौन सा लाइक अटैक या फिर क्या गिरता है, लाइक जो ये मूव्स होते हैं फिजिकल क्या बोलते हैं डिस्टेंट मूव्स लाइक जो दूर से होते हैं, जैसे लीर हो गया, ग्राउल हो गया, टेल वेप हो गया, लीर और वो क्या कहते हैं ग्लेयर आइज हो गया, बेबी डॉल आइज हो गया। ओके तो ऐसे अटैक से क्या कम होता है, एंड मैं फेंकूंगा एक पोके बॉल, लाइक मुझे ये पकड़ना है कॉज हेलो स्नोवर, सो 3 2 1 ओके गाइज मैंने स्नोवर को पकड़ लिया। मैंने पहले ही बोला था मुझे लाइक एक बंदा काफ़ी क्यूट सा एंड अच्छा लग रहा है यार, क्या जा रहा है, थोड़ी सी तारीफ कर दो इनकी भी। सो फिर से लेवल अप हो गए हैं कुछ पोके बॉल मेरे, डुकी डी हुआ है बस एंड आई गेस डैनियल भी हो जाएगा। तो आग ओके ग्रास और आइस से तो मुझे फायर टाइप मूव यूज़ करना चाहिए था ना, ओके क्या ही कर सकते हैं। सो आगे का जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आगे कौन सी जगह होगी और कैसी होगी वो तो आगे जाके ही पता। ओ एक जाटू, ए नहीं नहीं भाई मैं क्या बोलने वाला था, मैं क्या बोलने वाला था, मैं जाटू को पता नहीं क्या ही बोलने वाला है। अरे आना 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 है, अरे तू भाग रहा है जाटू, क्या कर रहा है भाई ज़िंदगी में, क्या चल रहा है तेरी, आजा 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 भाई, इसको इनकाउंटर कैसे करूँगा मैं, वो आ गया। अरे भाई इसने तो घुमा के चोच मार दी भाई, ये तो अटैक कर रहा है। ओके वेरी स्ट्रांग लुकिंग जाटू एंड गाइस यहाँ पे मेरे लगने वाले हैं क्या, कुछ नहीं जान दे भाई। अबे यार क्या दिक्कत है तेरे को, नाइट शेड मार। ओ यार इनके एनिमेशन इतने घातक क्यों है, अरे फालतू में मेरे डैनियल को पेल दिया, मैं नहीं खेलता ऐसी गेम,
मैं नहीं खेलता। यैंपर को भेज रहा हूँ। यैंपर कहाँ गया? गिरा। ये बहुत बुरा यार। मैं भी अब रन करने दे, मेरे को जान दे भाई मेरे को, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक टाइप। ओह देखा, एडवांटेज मूव की भी बात होती है यहाँ पर। मुझे रिवाइव यूज़ करना पड़ेगा। फालतू में काम बढ़ा दिया। अबे पीसी को बैग खोलना है, कहाँ गया? हाँ रिवाइव एक है, हाँ लगा ही था मेरे को होगा। तो मैं रिवाइव यूज़ करूँगा अपने पोकेमॉन पे, एंड ये मे बी हील हो जाए। हील ही तो होंगे यार, और क्या होंगे पता नहीं। मैं भी क्या क्या बोलता हूँ। ओके सो आगे चलते हैं। एंड एक सेकेंड, मुझे साइड में जान दे। मुझे रेड लाइटिंग पता नहीं इतनी देर से देखनी थी, ये रेड लाइटिंग में सीन क्या है। एंड द एनर्जी पोरिंग 300 वोल्ट। ओके एक पर्ल लॉन है। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं लूँगा। नहीं मांगते अपन को पर्ल लॉन। ओके नहीं मांगते भाई, नहीं चाहिए पर्ल लॉन। लेके क्या करूँगा? सो आगे चलते हैं। चेंज, मेरे को लगा था मैं जाके चेंज करूँगा तो चेंज हो जाएगा, बट नहीं हुआ, बैड लक। तो आगे चलते हैं। ओके आई गेस यहाँ पे गोस्ट टाइप पोकेमॉन जाएंगे, क्योंकि सामने एक गोस्ट सी बिल्डिंग है। वॉच ओवर टावर, क्या बोलते हैं, वॉच टावर था ना, वॉच टावर। कॉज लाइक ये गोस्ट टाइप एरिया हो गया। लाइक पहले था हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल था आइस टाइप नॉर्मल एरिया, फिर था आइस टाइप एरिया जिसमें आइस टाइप पोकेमॉन थे जो एक्सवेल के पास था। एंड यहाँ पे आ रहे हैं एक गोस्ट टाइप पोकेमॉन्स जो कि लाइक ये वॉच टावर का एरिया है। एंड वॉच टावर को जनरली हॉन्टेड माना जाता है। अगर आपने पोकेमॉन की एनिमे सीरीज देखी तो आपने बहुत सीन्स में देखा होगा कि वॉच टावर एक हॉन्टेड प्लेस है। एंड बातें करते करते इस मनोज जस्कर ने मेरे पोकेमॉन को हरा दिया जो कि 27 लेवल का था। एंड मेरे पास अब रिवाइव भी नहीं बचा है। चुल्लू भर पानी में डूब मर भाई। ओह गैस्ट्री दोनों डेट कर रहे हैं। ओ नहीं नहीं दोनों अलग अलग डायरेक्शन। ओह गैस्ट्री एकदम से सामने आ गया ना। वे यार वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग गैस्ट्री यार। ये कितने मनोज है, मैंने भेजा भी मैजिक कार्प है। मेरा भी लग देख रहे हो। जान दे भाई, मैजिक अब कुछ नहीं कर सकता तेरा। और जाने दिया इसने। ओ भाई मैं तो मजे ले रहा था, इसने तो जेन्युइनली मैजिक अब को जाने दिया यार। स्कैम हो गया। तो पोकेमॉन स्वैप करूँगा। ओके नीचे जा। ओके नॉइस। जो आगे चलते हैं, डस्कलॉप्स हैं। ये गैस्ट्री फिर पीछे पड़ गया। एंड यहाँ से क्या है? ओ यहाँ मे भी कोई लेजेंडरी पोकेमॉन हो। लेकिन लोकेशन ऐसी सी है यार वॉच टावर की, मे भी बोला ठीक है, मुझे नहीं पता। सो 50 वोल्ट कहने। ओ यार वेरी स्ट्रांग होगा यार। ये भी रुकटी को मार के छोड़ गया यार। ये दुख का खत्म नहीं होता भाई जिंदगी का। जान दे भाई मेरे को, डस्कल भैया जान दो। ओ जाने दिया। बढ़िया डस्कल का लेवल और गैस्ट्री का लेवल है गेस कम होना चाहिए था, बट नहीं है। इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे एक पोके वाले, उसे पकड़ते हैं पहले। मैक्स रिवाइव। ओ नॉइस 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 नॉइस। ओके एक यहाँ पे पेड़ है, पहले पेड़ को हिलाएंगे फिर देखते हैं। एंड चिक इट। यप सो ओ एक सिट्रस मेरी, एक और बार नाइस, एक और बार। ओके फिर से और मेरी लैपा भरी, एक और बार, 5 बेरी चिक इट मोर। यप अबे यार, अबे इसको हर एपिसोड में वॉच टाइम खाने आ जाना है यार, हद होती है। ये मोटू लाल फिर से आ गया, शरण नाम की चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। सच बता रहा, इतना मूड खराब आज तक नहीं हुआ मेरा। इसको तो मैं मार पकड़ के मारूंगा, इसको तो जेन्युइनली मारूंगा मैं फ्यूरी अटैक से। भाई तू चुल्लू भर पानी ले, डूब मर, तेरे को जिंदगी में और कोई काम नहीं है। इतना मनोज प्रोजेक्ट मैंने टॉपिक आज तक नहीं देखा। मैंने लाइन कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, हुई नहीं। कोई बात नहीं, अपने जोक मारने की आदत है, क्या करूँ, लोगों को आता नहीं, मेरा जाता नहीं। एंड रुकड़ी को तो मैं सच में मारूंगा, तो पैक अटैक मारूंगा इसको। रुकड़ी के ऊपर मैंने यूज़ करा पैक अटैक, तो कुछ हो ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा बल्कि है ये। यहाँ पे मेरी रुकड़ी की आधी एचपी हो गई है, गवार है भाई पोकेमॉन। तो मैं मानूंगा पावर ट्रिप। यप यप पावर ट्रिप। ओ यार फिर से कुछ नहीं हुआ भाई, ये पोकेमॉन ही है ना, मुझे तो जानवर लग रहा है भाई। अच्छा पोकेमॉन जानवर ही तो होते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के। क्या बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं वापस से यूज़ मारूंगा पैक अटैक। एंड मर जा प्लीज़, मर जा छुल्लू पर पानी लेके डूब मर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मर जा प्लीज। इसने तो सच में मूड खराब कर दिया, एक तो ये मर भी नहीं रहा यार, 1 हिट भी नहीं हो रहा। सो ओके पैक अटैक। ओके यप थोड़ा सा और। ओके आई गेस मुझे चेंज कर लेना चाहिए पोकेमॉन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके रुकड़ी हार गया, चेंज करना सोचा था हार ही गया। तो मैं ईवी को भेजता हूँ। ओके गो ईवी, जिसकी कोई नहीं है बीवी। घटिया डायलॉग मारता हूँ मैं।
सो क्विक अटैक बूम बूम शकलाका बूम बूम सो आई गेस ओके ओके एच पी पॉइंट्स अच्छे खासे मिल गए हमें एंड सो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड एंड आई होप आप लोग पोकेमॉन का आंसर दे सो पीस आउट मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बाय बाय अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज़।